1976 में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि आज हम क्रांतिकारी क्रिप्टोग्राफी के कगार पर खड़े हैं। इस आर्टिकल को विटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमैन ने लिखा था, जो 6 नवंबर 1976 को IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन इंफॉर्मेशन थ्योरी में प्रकाशित किया गया था। इस वैज्ञानिक लेख में क्रिप्टोग्राफी की सार्वजनिक कुंजी, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसमें कहा गया था कि कुछ सालों के बाद पब्लिक की वाले सिस्टम भी बनाए जाएंगे, जो कि इंटरनेट के ऊपर संचार को सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे कि कोई भी आपकी प्राइवेसी में दखल ना दे पाए। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसे 2 कुंजी की सुरक्षा भी कहा जाता है, एक बहुत ही सरल लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, जिसमें उपयोगकर्ता के पास एक निजी और अत्यंत गोपनीय कुंजी होगी और एक सार्वजनिक कुंजी होगी, जिसे उपयोगकर्ता कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे वह नेटवर्क सुरक्षित हो या असुरक्षित हो। सार्वजनिक कुंजी से सारे संदेश एनक्रिप्ट किए जाते हैं, जो साफ सरल भाषा में लिखे हों और जिनको एनक्रिप्ट करने के बाद पढ़ा नहीं जा सकेगा। किसी भी गोपनीय संदेश को भेजने के लिए उस संदेश को पाने वाले की सार्वजनिक कुंजी से एनक्रिप्ट करना होगा, और जब प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त कर लेगा, तब उसको अपनी निजी कुंजी से डिक्रिप्ट कर लेगा। यह एक बड़े मेल बॉक्स की तरह है, जिसमें 2 ताले लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला ताला सार्वजनिक कुंजी से ही खुलेगा और उसमें से संदेश डाला जा सकेगा, लेकिन संदेश निकालने के लिए नीचे वाला ताला खोलना पड़ेगा, जो केवल निजी कुंजी से ही खुलेगा, और इस तरह से केवल उस संदेश का मालिक ही उसे प्राप्त कर पाएगा। इसके पीछे की गणना, जिसमें सार्वजनिक कुंजी से संदेश को एनक्रिप्ट किया जाता है, उसे इस तरह से बनाया गया है कि वह सार्वजनिक कुंजी से डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। डबल की क्रिप्टोग्राफी, या फिर 2 कुंजियों से एनक्रिप्ट किया गया संदेश, इस तकनीक को ईमेल के साथ साथ वहां भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हम गोपनीय फाइल को इंटरनेट नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं। इस प्रक्रिया के 3 सिद्धांत हो सकते हैं। एनक्रिप्ट किए गए संदेशों को सिर्फ उनका प्राप्तकर्ता ही पढ़ सकता है। यह संभव है कि जिसने संदेश भेजा है उस व्यक्ति को प्रमाणित किया जा सके। इसके लिए कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, जिनको संदेश भेजने वाला संदेश के साथ भेजेगा, और उन संख्याओं को संदेश भेजने वाले की सार्वजनिक कुंजी से मिलान करके यह पता लगाया जा सकेगा कि जिसके संदेश का हम इंतजार कर रहे हैं, संदेश भेजने वाला वही व्यक्ति है। 2 कुंजी की सत्यापन प्रक्रिया से यह भी पता लग सकता है कि जो संदेश हमारे पास आया है, उसे बीच में किसी ने नहीं पढ़ा है और उस संदेश को किसी ने बीच में नहीं बदला है। अमेरिका में इस क्रिप्टोग्राफी वाले आर्टिकल का एक बहुत बड़ा और तगड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय तक क्रिप्टोग्राफी से संबंधित सारी जानकारियां नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास रहती थी, और दूसरे स्वयंसेवक प्रोग्रामरों को बहुत सारी तकनीकों पर काम करने की अनुमति नहीं थी, और उसके पीछे यह कारण बताया जाता था कि इन तकनीकों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे पेटेंट्स को पार करना पड़ेगा, और इन तकनीकों को कुछ इस तरह से दिखाया जाता था जैसे कि बहुत बड़ा हथियार हो। लेकिन 2 कुंजी क्रिप्टोग्राफी की वजह से अब NSA की क्रिप्टोग्राफी तकनीक का महत्व नहीं रह गया था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि अमरीकी सरकार को यह लगने लगा था कि अमरीका में लोग अब अपनी निजी कुंजी के द्वारा संदेशों को डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे अमरीकी सरकार का अपने नागरिकों पर से नियंत्रण भी जा सकता है। इस क्रिप्टोग्राफी आर्टिकल के आने से पहले लोगों के पास उनका खुद का कोई जरिया नहीं होता था, जिससे कि वह अपनी प्राइवेसी को संभाल सके, और लोगों की प्राइवेसी में अमरीकी सरकार का दखल होता था, क्योंकि
लोगों की निजता को दखल से बचाने के लिए जितनी भी तकनीक चाहिए होती थी वह सब अमरीकी सरकार के पास ही होती थी, और इस वजह से लोगों में हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं अमरीकी सरकार उनकी निजता में दखल ना दे दे। 1978 में तीन युवा MIT के प्रोफेसर रोलैंड रिवेस्ट, आदि शमीर और लियोनार्ड एडलमैन ने एक पहला ऐसा प्रोग्राम बनाया जो दो कुंजी क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर आधारित था। इसको इन्होंने नाम दिया RSA एल्गोरिदम, जो कि इनके नाम का ही पहला अक्षर इस्तेमाल करके बनाया गया था। शुरुआत में लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 1994 में आर्जन लेंस्ट्रा ने बेल लेबोरेटरी में इस RSA एल्गोरिदम को तोड़ने की एक कोशिश की, और इस काम को करने में 8 महीने का समय लगा, जिसमें 25 देशों के 600 अलग अलग रिसर्च ग्रुपों ने भाग लिया, और इसी प्रयोग में 600 से ज्यादा कंप्यूटरों का इस्तेमाल हुआ, और सारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट थे, और इस प्रयोग से पता चला कि RSA एल्गोरिदम को तोड़ना लगभग असंभव था। और आज के समय में 129 संख्या के कोड के बजाय 2048 संख्या के कोड से संदेशों को एनक्रिप्ट किया जाता है। अमरीका की इस बात के ऊपर पूरी नजर थी, और धीरे धीरे अमरीका को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं कोई इस एल्गोरिदम का गलत इस्तेमाल ना कर ले, और इसी वजह से अमरीका ने यह ऐलान किया कि इस एल्गोरिदम को केवल अमरीका में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस सुरक्षा एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अपने सॉफ्टवेयर बनाने आरंभ कर दिए थे, और उन्होंने इसका काफी विरोध किया, और यही सब देखते हुए इस एल्गोरिदम के तीनों जनक ने यह फैसला किया कि वह इस तकनीक का पेटेंट करवाएंगे, जिससे वह तीनों इस तकनीक के मालिक होंगे और अमरीकी सरकार के प्रभाव से भी मुक्त होंगे। और इस फैसले के साथ ही उन्होंने इस तकनीक का पेटेंट करवाया, और बाद में यह तकनीक अमरीका के बाहर भी सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल में ली जाने लगी। 1991 में फिलिप जिमरमैन नाम के एक अमरीकी ने एक एनक्रिप्शन सिस्टम बनाया, जिसे उसने नाम दिया प्रिटी गुड प्रिवेसी। यह उन्हीं तकनीकों पर आधारित था जिन पर RSA एल्गोरिदम का पेटेंट आधारित था। जहां RSA एल्गोरिदम का काम डेटा एनक्रिप्ट करना था, वही PGP डेटा को सुरक्षा प्रदान करते थे, फिर चाहे वो डेटा आपकी फ्लॉपी में हो या फिर आपके कंप्यूटर में। इस नई तकनीक के द्वारा ईमेल उसी तरीके से सुरक्षित थे जैसे वह सीलबंद लिफाफे में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों। इसके कुछ समय बाद RSA डेटा सिक्योरिटी ने फिलिप जिमरमैन पर इस पेटेंट का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर किया, और इसी के साथ अमरीकी सरकार ने भी फिलिप के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। अमरीकी सरकार का कहना था कि फिलिप ने अपने एल्गोरिदम को अमरीका के बाहर निर्यात किया है, जो कि अमरीकी नियमों के विरुद्ध है, और दोनों ने अपने अपने मुकदमे 1996 में वापस ले लिए, क्योंकि अमरीकी सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि फिलिप ने अपनी तकनीक को जानबूझकर अमरीका के बाहर निर्यात किया है। और दूसरे मुकदमे में जेम्स ब्रूस, जो कि मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी में थे, इन्होंने दोनों पार्टियों को समझाने का काम किया और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक PGP अमेरिका में बिना RSA एल्गोरिदम के काम करेगा, लेकिन अमेरिका के बाहर PGP RSA की एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेगा। 1995 में इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने जिमरमैन को उनके काम के लिए अवार्ड दिया। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान की आजादी को उभारने में कुछ बनाया हो। इन्होंने जिमरमैन के बारे में कुछ इस तरह से बताया, एक तरह से सोचा जाए कि सारी जनता को अब सिर्फ पोस्टकार्ड का ही इस्तेमाल करना है, और अगर कोई अपनी चिट्ठी को किसी लिफाफे में डालकर पोस्ट करता है और वह लिफाफा चिपका हुआ है,
तो इसका मतलब चिट्ठी भेजने वाला कुछ छुपा रहा है और शायद अधिकारी लोग उस लिफाफे को खोलकर चिट्ठी को पढ़ सकते हैं। और अगर उनसे पूछा जाएगा तो वह यह बोलेंगे कि हमने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है, लेकिन इंसान की निजता का क्या महत्व रह जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रह रहे, और वैसे भी हम सब यही चाहते हैं कि हमारी गोपनीय चिट्ठी उस एक लिफाफे के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाए। ऐसा ही कुछ ईमेल के साथ भी होता है। ईमेल संदेश के साथ कोई लिफाफा नहीं होता है, और इसलिए ईमेल संदेशों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनको एनक्रिप्ट करना पड़ता है। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां पर हम नहीं चाहेंगे कि हमारी गोपनीय चीजों को कोई भी पढ़े, चाहे वो हमारी सरकार ही क्यों ना हो। 1991 में सीनेट बिल 267 ऐसा ही कुछ प्रावधान था। इसे अपराध को रोकने के लिए बनाया गया था, और इसमें कहा गया था कि जितनी भी कंपनियां जो कि संचार से संबंधित मशीन बनाती हैं, उनको उन मशीनों में कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिससे कि सरकार जब चाहे तब संदेशों को पढ़ सके, फिर चाहे वह संदेश एनक्रिप्टेड ही क्यों ना हो। लेकिन बहुत सी कंपनियों ने इसका विरोध किया और ये बिल पास नहीं हो पाया। 1992 में FBI डिजिटल टेलीफोनी वायर टैप ने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में सभी संचार मशीन बनाने वाली कंपनियों से यह कहा गया था कि वह अपने संचार मशीन में एक ऐसा प्रावधान रखे जिससे कि FBI जरूरत पड़ने पर कहीं से भी किसी भी तरह के संचार को पढ़ सके या फिर सुन सके। 1992 में तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बिल को वापस 1994 में लाया गया। 16 अप्रैल 1993 यह समय बुश प्रशासन का था, और तब सरकार ने एक एनक्रिप्शन मशीन बनाने की शुरुआत की जिसका नाम था क्लिपर चिप। इस चिप के अंदर सरकार के द्वारा बनाई हुई एनक्रिप्शन एल्गोरिदम थी। सरकार ने निजी उद्योग, खासकर जो फोन बनाते हैं, फैक्स मशीन बनाते हैं या फिर किसी भी तरीके का संचार माध्यम बनाते हैं, उन सब को कहा कि उन्हें इस चिप को अपनी मशीन में लगाना है। इस चिप का एक अलग कोड होता है जिसको सिर्फ सरकारी अधिकारी ही खोल सकते हैं। शुरुआत में सरकार ने बताया कि यह चिप सिर्फ यह पता लगाएगी कि संचार माध्यमों में कितना ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन यह बस शुरुआत भर थी। तो अगर गोपनीयता को सरकारी नियमों से बाहर कर दिया जाता तो एनक्रिप्शन को या तो सरकार इस्तेमाल करती या फिर वो लोग जो अवैध धंधे करते हैं जिससे कि वो पकड़ में ना आ सकें। लेकिन आम जनता का क्या, क्योंकि गोपनीयता तो सबकी होती है, और इसीलिए PGP हमारे पास आया। क्लिपर एक छोटा सा कंप्यूटर था। यह एक माइक्रोप्रोसेसर था जिसको हर उस मशीन में लगाना था जो कि किसी भी संचार माध्यम से संबंधित थी। NSA के अनुसार क्लिपर एक ऐसी मशीन है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसका इंक्रिप्शन सबसे मजबूत है। लेकिन 1992 में मैट ब्लेज, जो कि एक गणितज्ञ थे और बेल AT&T लेबोरेटरीज में काम करते थे, उन्होंने क्लिपर के इंक्रिप्शन को तोड़ के दिखाया। इसके लिए उन्होंने एक बैक डोर का इस्तेमाल किया और उसे सिर्फ 42 मिनटों में बाईपास करके दिखाया। इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था जिसमें लिखा गया था कि किस तरह से आम आदमी सरकार के सामने बिना कपड़ों के खड़ा हुआ एक इंसान मात्र है। और इसके बाद बहुत सी कंप्यूटर कंपनियों ने क्लिपर के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया,
वायर्ड मैगजीन के अप्रैल 1994 संस्करण में जॉन पेरी बार्लो ने लिखा था। क्लिपर एक आखिरी कोशिश है अमरीकी सरकार के द्वारा, जिससे कि सारी शक्तियां हमारी पुरानी औद्योगिक युग के लोगों के पास रहे और वह कंप्यूटरों की दुनिया पर अपनी मनमानी कर सके। अगर ये जीत जाते हैं तो हम उन्हें मौका देंगे कि ये हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की निगरानी कर सके, और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें एक सर्वश्रेष्ठ पूर्वज बनना है। क्लिपर की सबसे बड़ी समस्या यह भी थी कि यह सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था, बाकी दूसरे देश भी इस माइक्रोप्रोसेसर को अपने देशों की संचार मशीनों में लगाना चाहते थे, जिससे कि वह सभी तरीके के संचार में अपना नियंत्रण रख सके, और इस तरह से आम आदमी की गोपनीयता से खिलवाड़ होता। 17 जुलाई 1998 को इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने एक प्रेस रिलीज बुलाई, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसने DES एन्क्रिप्शन को मात दे दी है। DES एन्क्रिप्शन एक कमजोर एन्क्रिप्शन था और अमेरिकी सरकार को यह सहूलियत देता था कि वो दूसरे संचार माध्यमों को कंट्रोल कर सके। इस एन्क्रिप्शन सिस्टम की खामियां बताने के लिए EFF ने एक और मशीन बनाई जो कि DES के एन्क्रिप्शन को तोड़ती थी। EFF को इस प्रयास के लिए $250,000 चुकाने पड़े और एक साल के काम के बाद उनके सारे प्रयास एक किताब में लिखे गए, जिसे ओ रैली ने प्रकाशित किया था। इस किताब का नाम था क्रैकिंग DES सीक्रेट्स ऑफ एनक्रिप्शन रिसर्च वायरटैप पॉलिसीज एंड चिप डिजाइन। इस बुक में वो सारी जानकारी थी जो यह बताती थी कि कैसे DES एनक्रिप्शन को तोड़ा गया और कैसे एक आदमी एनक्रिप्शन को घर बैठे खुद अपने कंप्यूटर पर तोड़ सकता है। यह किताब केवल किताब के रूप में ही उपलब्ध थी, क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक इस तरीके की जानकारी इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं की जा सकती थी। DES जो कि 56 बिट के ऊपर आधारित था, इसे IBM में तैयार किया गया था और NSA ने इसमें परिवर्तन किए थे। इस केस के बाद एक बहस छिड़ गई कि किस तरीके की गोपनीयता हमें चाहिए। या तो हम सरकार के द्वारा दी हुई गोपनीयता का इस्तेमाल करें, या फिर तकनीक के द्वारा दी गई गोपनीयता का इस्तेमाल करें।